ଏବେ ଦେଶରେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ, ଗାଁ ଠୁ ସହର ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 100 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ। ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଦେଶର ଆଭିଏସନ୍ ସେକ୍ଟର। ମାତ୍ର 9 ମାସ ଭିତରେ ଦେଶ 100 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଏକ ବିମାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ସଜାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଛବି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ, ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର MD ଏବଂ ଅଧିକାରୀ। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଏହିଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନେ। बहुत महत्वपूर्ण दिन है और पूरे देश को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, भारत सरकार में जितने हमारे ऑफिसर्स हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री, जिन्होंने वैक्सीन का प्रोडक्शन किया, सारी फार्मा कंपनीज जिन्होंने वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट किया, ना केवल स्पाइस जेट लेकिन बाकी जितनी भी एयरलाइंस थी, जितने भी ट्रकिंग ऑपरेटर्स थे, आज हमने ये एक ऐसा काम करके दिखाया है जो केवल जब पूरा भारत साथ में काम करता है तो हमें लगता है कि जो असंभव है उसको भी हम संभव कर सकते हैं। और 100 करोड़ वैक्सीन किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इतने जल्दी 250 दिनों में मात्र 1 करोड़ ये 100 करोड़ वैक्सीन लगा पाएगा। और ऐसी उपलब्धि है जिसको हम ना केवल भारत में सेलिब्रेट करना चाहते हैं बट हम विश्व भर में ये दिखाना चाहते हैं कि जब भारत एकजुट होता है तो कुछ भी कर सकता है। और ये जहाज़ इस और ये स्टिकर इसी बात का प्रतीक है। और ना केवल ये जहाज़ भारत में जाएगा बट भारत से बाहर भी जाएगा और ये संदेश हम पूरे विश्व को देना चाहते हैं।